समय जो पूरे भारत की जो स्थिति है चरमरा रह रही है और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, कई मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसकी क्या एक लॉबी है कि एक लॉबी इस तरीके अत्याचार कर रही है? एक हमारे बीच में केंद्र सरकार के पीछे जो आरएसएस जो लॉबी है वो सबसे बड़ी एक वो कर रही है पीछे से कि संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। अब मनुस्मृति में आप सबको पता होगा क्या होता था, एक ने हिरन मारा वो भगवान बन गया और एक ने हिरन मारा उसे 5 साल की सजा हो गई। वो आरएसएस वो लागू करने मारे हैं। राम ने सीता को खुश करने के लिए वो हिरन मार दिया और एक हिरन मारा तो वो जेल गया। जी मैं वही कह रहा हूँ कि मनुस्मृति में यही था कि एक ने हिरन मारा वो जेल वो महाराज राजा बन गया और एक ने हिरन मारा वो 5 साल के लिए सजा हो गई। ये संविधान के विपरीत है। आरएसएस बीजेपी मिलकर संविधान को खत्म करना चाहती है और मनुस्मृति लागू करना चाहती है। सर आप युवा हैं और आप निगम पार्षद भी रहे हैं तो इस समस्या से कैसे हम निकल सकते हैं? हम इस समस्या से सभी को एक साथ आना पड़ेगा, SC हो ST हो मुस्लिम हो माइनॉरिटी हो OBC हो सभी को, और सभी को एक साथ आके और हमको इस RSS और BJP के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हम जाके इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आइए।